जी हाँ बच्चों, बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिवाली। दिवाली की रौनक ही कुछ और होती है। नए नए कपड़े, रंग बिरंगे दिए और लाइटिंग के साथ साथ ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ, मिठाइयों के साथ ढेर सारे रंग बिरंगे पटाखे। सच में दिवाली के दिन मतलब जादुई दिन। हैप्पी दिवाली बच्चों। पिंटू और पिंकी दोनों ही दिवाली के दिन का खूब देर से इंतजार कर रहे थे। दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे, फिर भी दोनों रोज कैलेंडर को देख देख के बेचारे कैलेंडर को परेशान कर रहे थे। पिंटू पिंकी, रोज रोज कैलेंडर देखने से आज दिवाली नहीं आ जाएगी। हमारा मन चाहा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम चाहते, तो कितना अच्छा होता। बस करो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। आज हम सब मिलकर घर की सफाई करेंगे और दिवाली के खूब सारे व्यंजन बनाने हैं, शॉपिंग करनी है और ये काम हम सबको मिलके करना है। डोंट वरी मम्मी, हम तो रेडी हैं। फिर क्या, उस दिन मम्मी पापा पिंटू पिंकी सब मिलके पूरे घर की सफाई की और घर को एकदम नए जैसा बना दिया। मम्मी, घर एकदम नया लग रहा है, ये देख के हमारा मूड भी फ्रेश हो गया। हमारे त्योहार और परंपरा कितने महान हैं। हाँ बेटा, हमारे घर के आसपास का वातावरण अगर साफ हो तो मन भी प्रसन्न रहता है और कामकाज में मन लगता है। इसीलिए दिवाली हो या ना हो, अपना घर, विद्यालय, दफ्तर पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर एक दिन सब मार्केट गए और नए नए कपड़े, ढेर सारा राशन, पिंटू पिंकी के लिए खूब सारे पटाखे, दिवाली के लिए सजावट की चीजों की खरीदी की। दूसरे दिन पिंटू और पापा ने मिलके पूरे घर को एक नया रूप दे दिया। उन्हीं के साथ पिंटू पिंकी और पापा ने मिलकर मम्मी को ढेर सारी मिठाई और व्यंजन बनाने में मदद की। मिठाइयों में जैसे लड्डू, फरसान और ढेर सारी अन्य मिठाइयाँ। बच्चों, हमेशा याद रखना चाहिए, दिवाली के पकवान बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं होता, पुरुषों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार हम सबका है। और फिर क्या था, वह दिन आ गया जिसका पिंटू पिंकी और दूसरे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, दिवाली। दिवाली यानी लक्ष्मी पूजा का दिन। पिंटू पिंकी सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर नहा लिए, साथ में नए कपड़े भी पहन लिए। मम्मी और पिंकी मिलकर रंगोली बनाने लगे। पिंटू पापा के साथ मिलकर सारे दरवाजों पर आसोपालव के पान के तोरण लगाने लगा। साथ ही मम्मी ने सबको व्यंजन परोसे। दिवाली के अवसर पर पापा के कुछ दोस्त और बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे। फिर शाम हो गई और मम्मी पूजा की तैयारी करने लगी। वहीं लक्ष्मी माता की स्थापना हुई। लक्ष्मी माता की मूर्ति खूब सुंदर और आकर्षक थी। फिर क्या था, धीरे धीरे रात हो गई और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। सबने मिलके माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया। पापा ने पैसे और मम्मी ने सोना चांदी के गहने, बर्तन लक्ष्मी माता को अर्पण किए। सबने मिलके माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लिया। सुनो बच्चों, माता लक्ष्मी धन की देवी है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की जननी है। जीवन में धन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान। हम मेहनत करके जो धन यानी कि पैसा कमाते हैं, उसके प्रति हमें मन में आदर और निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि धन सिर्फ हमारी रोज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि मुसीबत के वक्त सबसे अधिक काम आता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का धन हो, उसे हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए।
लक्ष्मी पूजन करना मतलब हमारे धन के प्रति कृतज्ञ रहना और उसके इस्तेमाल के लिए निष्ठावान होना चाहिए। फिर क्या था? पिंटू पिंकी ने वही सुना जो उनके कान सुनने के लिए तरस गए थे। अरे भाई, पठाकों की आवाज, आसमान में आतिशबाजी की आवाज, पटाखों की गूंज, पूरा शहर गूंज रहा था पटाखों की आवाजों से। पिंटू और पिंकी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने के लिए नीचे आए। उनके पास कम आवाज वाले बम, चक्री, फुलझड़ी वगैरह पटाखे थे और वह उनका आनंद ले रहे थे। तभी चिंटू ने एक लंबी सी रॉकेट निकाली और बोला, अरे यार, मेरे पास ये बड़ी सी रॉकेट है, जमीन पर मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम इस रॉकेट को अपने हाथों से उड़ाएं और मजा लें। ए, इसका एक वीडियो बना तो। फिर क्या था? माचिस और रॉकेट को लेकर पिंटू आगे बढ़ने लगा। तभी तुरंत चिंटू ने उसे रोक लिया और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? आज लक्ष्मी पूजन है, रॉकेट को हाथ में फोड़ने से हाथों के साथ साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। हर साल दिवाली के बाद एक दिन न्यूज मिलती है, यहाँ इतना नुकसान हुआ, वहां उतना नुकसान हुआ। अरे पिंटू, दिवाली लक्ष्मी का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, हमें हमारे ये त्योहार सोच समझ कर मनाना चाहिए। गलती से भी हमें जीवन में अंधेरा नहीं फैलाना चाहिए। सॉरी पिंटू, तुमने मुझे रोक लिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो हम सब साथ मिलके पटाखे जलाते हैं और हाथ में पटाखे जलाने के विचार छोड़ देते हैं।